हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में जो इंसर्ट टाइप में टेक्स्ट ग्रुप है उसका यूज कैसे करते हैं, और किस ऑप्शन का क्या यूज है, और कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इन सारे ऑप्शनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, हमने एमएस वर्ड को ओपन किया है और सबसे पहला ऑप्शन है वह है टेक्स्ट बॉक्स। देखिए, नाम से पता चलता है कि जो टेक्स्ट बॉक्स है एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग जहां पे टेक्स्ट लिखना है एक बॉक्स इंसर्ट करा सकते हैं और वहां पे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग क्यों बार बार करते हैं, क्योंकि एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स है कहीं पे भी इंसर्ट कराइए वह इंसर्ट हो जाता है और उसके जरिए आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इमेज इंसर्ट कराए हो, उस इमेज के ऊपर लिखना है तो नॉर्मल कोई तरीका नहीं लिख पाओगे, लेकिन तुम चाहोगे तो वहां पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके लिख सकते हो। प्लस अगर मान लीजिए हम कोई डाटा बना लिए हैं, स्पेस कम है, जगह कम है, या हम टैब बटन दबा रहे हैं या कर्सर क्लिक कर रहे हैं तो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, टाइप नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर हम सोच रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स लिखना है, मतलब कुछ लिखना है, तो आप भी टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ रेंडम टेक्स्ट बॉक्स दिए रहते हैं, देखिए तो कई लोग इसका भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं, लेकिन हमें तो इस्तेमाल करना है अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे कि जहां पे जरूरी पड़े वहीं पे हम बॉक्स इंसर्ट करा लें। तो आना पड़ता है कहाँ पे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना होगा तो ऐसे प्लस पॉइंट आ जाता है और आपको बनाना क्या बॉक्स के सहारे, तो मैंने यहां से इसको इंसर्ट करा दिया। देखिए, एक बॉक्स हो गया। अब देखो, इस बॉक्स को हम चाहेंगे तो ऐसे क्या कर सकते हैं, मूव भी करा सकते हैं, प्लस पॉइंट दिया है, और कुछ लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप भी कर दीजिए, ये फायदा होता थोड़ा। और तो यहाँ पे सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं हम सेंटर में, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो, ये करने के बाद से फॉर्मेटिंग भी किया जा सकता है, सेम वही फॉर्मेटिंग है जो हम पहले से पेज में पढ़ा चुके हैं, दिख रहा है आपको ना। ऐसे यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, तो ऐसे हेडिंग वेडिंग तैयार करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। चलिए इंटर बटन दबाते हैं, और मैं सोच रहा हूँ बाद में हमको क्या करना है, दूसरा अप्लाई करने हैं तो टैब बटन दबा देंगे। देखो, टैब बटन दबा के देखो, ऐसे हम लोग इसको मूव भी करा सकते हैं। तो आपकी मर्जी क्या करना चाहते हो। अब इसमें नहीं लिखना तो क्या करोगे, आप बाहर क्लिक कर दो डबल, ठीक है। अब इसको सेंटर में थोड़ा कर लेने दो। अब नीचे लिखना है तो डबल क्लिक, अब यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो बनाना है मैटर, सपोज मान लो गायत्री शूटर टेक्नोलॉजी, मैंने हेडिंग लिख दिया और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देना चाहते हैं क्या, स्टूडेंट में हो सकता है ना। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इसको बोल्ड। अब बोल्ड करने के बाद से अब देखो, सामने सामने चाहिए तो टैब 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 टैब, ठीक है। और स्टूडेंट नेम बीच में हमको लिखना है यहाँ से, तो आपकी मर्जी, यहाँ पे बॉक्स भी इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ सेव पेज पे आइए और यहाँ से पेज ले लीजिए और इसी के सामने एक सेव पेज इंसर्ट करा लीजिए, ऐसे आप एक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। फिल क्या कर ले यहाँ से, आउटलाइन मोटा कर सकते हो। बस आपको फिर से डबल क्लिक करिए नीचे, फिर से यहाँ पे क्या देना है, फादर नेम। तो मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, और इसको भी सिलेक्ट करिए, क्या करोगे, बोल्ड कर लोगे। और ऐसा ही चाहिए हमको एक और, तो कंट्रोल डी, पता ना आपको, और नीचे आ जाएंगे, और आपकी मर्जी ऐसे लाके इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको नीचे लाना है थोड़ा और जगह दे दो, ठीक है, या कोई जरूरी कि ऐसे बॉक्स बनाएंगे हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो मैंने बताया जब भी कहीं टेक्स्ट लिखना हो कहां पे वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं,
जी टेक्स्ट बॉक्स। अब कहो सर क्या मतलब है, कोई इमेज लाते हो तो देख लो, इमेज पे भी बता दे रहे आप। चलो मान लो इसी इमेज के ऊपर नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल इसी के ऊपर, तो कोई तरीका नहीं लिखने वाला, लेकिन लिख ही नहीं सकते। राइट क्लिक करो, क्या मतलब है, कुछ नहीं लिख पाओगे, ऑप्शन ही नहीं दिया लिखने का। तो यहाँ पे क्या करोगे, इंसर्ट पे आओ, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो, ड्रॉ टेक्स्ट, कहाँ लिखना है, यहाँ पे नीचे। तुम्हारी बात है आपको ना, तो ये तरीके हैं। आउटलाइन बाद में नॉन कर देना, व्हाइट फिल कर देना, तो ऐसे में आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा ड्रॉबैक है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का। नेक्स्ट अगला है क्यूब पार्ट्स। देखो नाम से पता चल रहा है कि जो क्यूब पार्ट्स है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल क्यूकली किसी पार्ट्स को इंसर्ट कराने के लिए करते हैं। और क्यूकली किसी पार्ट्स को इंसर्ट करने का मतलब क्या है, आ जाते हैं यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं, ध्यान देना। जैसे कोई ऐसा इमेज है जो बार बार इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो बार बार हमको इंसर्ट पे जाना पड़ता है, और जब भी हमें सोच रहा है उस इमेज की रिक्वायरमेंट हो, तो हम क्यूब पार्ट से उसको इंसर्ट कराना। तो सबसे पहले देखो, क्यूब पार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो लगभग 4-5 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो पहला है ऑटो टेक्स्ट, उसके बाद से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी दिया है, उसके बाद से फील्ड दिया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स दिया है। चलिए एक एक करके समझते क्या मतलब है। पहले ऑटो टेक्स्ट के बारे में समझा रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे गायत्री, और गायत्री मुझे लग रहा है कि जब भी मैं कुछ बनाता हूँ तो बार बार लिखता हूँ, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्यूब पार्ट्स में सेव कर सकते हैं, और जब रिक्वायरमेंट होगा तो वहीं से इंसर्ट करा सकते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा। कैसे, सेलेक्ट किया इसको, सेलेक्ट करने के बाद क्यूब पार्ट्स में आ जाए ऑटो टेक्स्ट, और यही पे ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, क्लिक ओके, हो गया। अब देखिए, अब हमको जब भी जरूरत कहीं पड़ गया तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, लिखना भी नहीं है, क्यूब पार्ट्स पे आइए, ऑटो टेक्स्ट पे आइए, इंसर्ट करा दीजिए। सुन आया, चलिए अब यही हम इमेज पे भी बताते हैं आपको। अगर इमेज पे लगाना है तो इमेज को पहले इंसर्ट करा लें, दो और यह इमेज बार बार जरूरत पड़ता है हमको, और यह इमेज हमको इंसर्ट कराना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आ जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट पे, क्यूब पार्ट्स में, और यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्यूब पार्ट्स गैलरी में भी सेव कर सकते हैं, और या यहाँ से कर सकते हैं। चलो मैं यहीं से कर देते हैं, गैलरी में सेव, नाम देना है नाम दे सकते हैं, ओके सेव हो गया। अब देखो गैलरी में सेव हुआ है, यहाँ पे आ गया। अब जरूर मान लो जरूरत पड़ता है कभी तो आएंगे, इंसर्ट पे आएंगे, क्यूब पार्ट्स पे आएंगे, दिख रहा ना आपको, क्लिक कर देंगे। पहले इमेज को इंसर्ट करा लेंगे, इमेज को इंसर्ट कराने के बाद से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने बाद से क्यूब पार्ट, और यहीं पे ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू क्यूब पार्ट्स गैलरी, कर देंगे, गैलरी में सेव हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगा क्लिक करके इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे और भी इमेज करके दिखा दे रहा आपको, फिर से इंसर्ट पे आते हैं, नवरात्र चल रहा है जी, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसकी जरूरत मुझे है, इंसर्ट पे आते हैं, क्यू पार्ट गैलरी में सेव कर लेते हैं, किसके नाम से, यस यस यस। अब मान लो कहीं नया पेज खोले, कभी जरूरत पड़ा तो क्या करेंगे, कौन चाहिए ये वाला, बोलो, मतलब बार बार उस लोकेशन पे नहीं जाना पड़ेगा, एक बार सेव कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब पार्ट्स है। चलिए तो पहले ऑप्शन के बारे में बताया, तो हम क्या बताएं यार, कितने दिन से बता रहे हैं कि जब मूव ना करे तो ट्रैप टेक्स्ट पे आना, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना,
का मुंह होगा, लग रहा है पूरा खत्म हो जाएगा तभी तो नहीं आएगा। क्या है, कितना बार पढ़ा चुके हैं इसको, चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट, बता दिया हमने, ठीक है। उसके बाद से देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में क्या ऑप्शन दिया है। देखो ये एक ऐसा ऑप्शन है जैसे, नहीं यहाँ पे सब कोई मालूम को लिखना क्या है, कंट्रोल एन दबा देते, और हमको यहाँ पे लिखना है कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी कंपनी फोन नंबर, तो बार बार लिखना पड़ेगा हेडिंग। तो क्विकली पार्ट इसमें दिया गया है, जब चाहेंगे तो हम डॉक्यूमेंट में जाके और जहाँ पे कंपनी नेम लिखना है कंपनी को इंसर्ट करा सकते हैं, फिर से बाहर क्लिक कर दिया था वो। जहाँ पे हमको कंपनी का एड्रेस देना है तो यहाँ पे कंपनी का एड्रेस यहाँ पे देखो शो करा सकते हैं, मतलब लिखना पड़ेगा फिर से। उसके बाद से कहाँ पे जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे, और कंपनी का फोन नंबर देना है, कंपनी का फोन नंबर दे सकते हैं। तो क्विकली पार्ट इंसर्ट करा लिए, जहां जहां लिखना है लिख लो, यहाँ पे कंपनी नेम, यहाँ पे उसका एड्रेस, इसका मोबाइल फोन नंबर, क्लियर है। मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बार बार लिखना नहीं पड़ता है, उसको इंसर्ट करा ले जाते हैं, यह होता है क्यूब पार्ट। और अगला है फील्ड, तो फील्ड को समझाने के लिए टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा आपको। चलो कंट्रोल एन इंसर्ट टेबल। अब बताओ इस टेबल को हम जोड़ना है, तो जोड़ने का कई सारा तरीका बताया था हमने, बोलो। इस वैल्यू को जोड़ना है तो जाएंगे कहाँ पे, लेआउट में, तब यहाँ से निकल के जुड़ के आएगा ना जी। वह काम चाहेंगे तो इंसर्ट से भी कर सकते हो। क्यू पार्ट्स, फील्ड, फार्मूला, ओके। हमारा तो ऐसे आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट शिफ्ट प्लस ये अपना है। यहाँ पे यही है, ये यह हमारा ये लिंक इंसर्ट नहीं होता है। अब जोड़, ये जोड़ने, ठीक बाबू। तो ऐसे हम आसानी तरीके से यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसमें कुछ पहले से कवर पेज, कुछ हेडर, कुछ अदर पेजेस इंसर्ट रहते हैं, रेंडम आप लेना चाहते हो तो लेके इसका प्रयोग कर सकते हो, जैसे क्लिक करते हो। अब देखो जो हमने बनाया है वो भी सेम है, बोलो दिख रहा ना आपको। आप पहले से बहुत सारे हैं, कौन कौन सा स्टाइल आपको डॉक्यूमेंट का चाहिए, चाहे मान लो यही से चाहिए या ऐसे चाहिए, जैसे चाहिए बस सेलेक्ट कर लेंगे और क्या कर देंगे, उसको इंसर्ट करा देंगे। ऐसे बनाने में हमको टाइम लगेगा, इंसर्ट करने में टाइम लगेगा, और ऐसे लाना हमको तो बस हम क्यूब पार्ट्स पे आएंगे और बिल्डिंग ब्लॉक्स पे आएंगे। बहुत सारे हैं, आप लोग देख लेना इसमें कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपको जब क्लिक करोगे तो दिखेगा इसका प्रीव्यू, तो यहाँ पे ऊपर ही सारा कवर पेज सब दिया है यहाँ पे रेंडम, कि कौन सा आपको इंसर्ट कराना है, मतलब रेंडमली में यहाँ पे इंसर्ट कराया जा सकता है। ये चाहिए गायत्री वाला, तो गायत्री वाला ले लो, हो जाएगा बाबू, बोलो। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला है वह है वर्ड आर्ट, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों ऐसा समझिएगा। देखो नाम से पता चल रहा वर्ड आर्ट, मतलब एक ऐसा ये ऑप्शन है जिसको हम लोग वर्ड को अलग अलग डिजाइनिंग में चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल हम सोच रहे हैं अपने टेक्स्ट को रोटेट थोड़ा कर दें, तो रोटेट कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं टेक्स्ट को सर्कल में कर दें, सर्कल में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर डिजाइनिंग करना है, देखते हो ना जो मासिक में लिखा रहता हम लोग का, नहीं ठीक है बाबू, उस कंडीशन में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। मैं अभी बना के दिखा रहा हूँ आपको, बैठे तरीके से होता है, ठीक है। आपको हाई स्कूल मार्कशीट देखे हो, ठीक है, तो देखते हो लिखा रहता है, ठीक है, थोड़ा रोटेट करके लिखा रहता है, उसके नीचे सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं, वैसे बनाना है। या आप लोग कई सारे लोगो देखे होंगे जो रोटेट होता है जी, तो ऐसे आप रोटेट कर सकते हो, लेकिन ये लोगो बनाने वाले साथ में नहीं है, फिर भी मैं बना के दिखाऊंगा कैसे इंसर्ट कराया जा सकता है। इसके लिए देखो सबसे इजी तरीका है,
आइए वर्ड पे। इसमें कई सारे फॉर्मेट है, कौन सा आपको लेना है तो कोई ले लो, बाद में हम चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ फोर्थ वाला ले लेते हैं, और लिख दिया अपने संस्था का ही नाम कैपिटल। भाई थोड़ा छोटा कर दो, और इसके बाद हमको इस एंगल को चेंज करना है। तो इस समय एंगल चेंज करो तो नहीं हो। अब इस एंगल को चेंज करने के लिए हमको आना होगा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट पे आने के बाद सही पे आप सारे वर्ड स्टाइल मतलब वर्ड आर्ट स्टाइल, तो यहाँ पे चाहोगे तो आप चेंज कर सकते। देखो बना दिए पहले, लेकिन बाद में हम चेंज भी कर सकते। देखो कैसा आपको चाहिए, तो ऑलरेडी हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग होम टाइम, ये हमको नहीं करना है, हमको तो रोटेट करना है इसको। तो यहाँ पे आ जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट, और टेक्स्ट इफेक्ट पे आने के बाद से इसमें भी कई सारे ऑप्शन है, ये भी शैडो सब बताया है। नीचे आते हैं ट्रांसफार्म, और इसी में सारे ऑप्शन दिए हैं कि इसको रोटेट कैसे करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला भी ले रहा हूं, ठीक है। और लेने के बाद से हम थोड़ा सा इसको यहां से बड़ा कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा नीचे मोड़ रहे। सर आपको ना अब बाहर क्लिक कर दी, तो ऐसे ही लिख क्या आएगा, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मान लो इसके नीचे कुछ लिखना है, कुछ भी बनाना है, तो टैब बटन दबा के जहां लिखना है आपको किसका बैकग्राउंड बनाना कलर, वो कर सकते हैं कलर। अलग अलग इमेजेस अब इंसर्ट कराना पड़ेगा। कौन सा बैकग्राउंड तुम कर रहे हो, देखो तुम्हें पूरा पेज का कलर करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे जब यहाँ पे आ जाओ तो फिल कर दोगे ना, कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा, तो पूरा ऐसे हो जाएगा ना, वो नहीं होगा इसमें, ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये अलग बात है। ये पूरा जहां तक जाएगा ना, जहां तक इसको ले जाएंगे वहां तक फिल होगा, ठीक है। और इसका कलर क्यों करना है, तो कलर हो रहा है, टेक्स्ट का कलर बैकग्राउंड नहीं होगा। हम चाहेंगे तो इसको टेक्स्ट का कलर फिल कर दो, अलग कोई कलर होगा, लेकिन तुम सोच रहे बैकग्राउंड भी हो जाए उतना ही, वह नहीं, वैसे ही ये पूरा काम करेगा जहां तक जाएगा। ये देखो कोई भी इफेक्ट लगाओ, देखिए इसमें कई सारे कलर है, लेकिन टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, इसका बैकग्राउंड नहीं होगा उतना, ठीक है ना। इसमें ऐसा फीचर्स नहीं दिया गया कि उसको कर सके। चलो अभी नॉर्मल हमने कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया, और बीच में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, और भी इसको रोटेट करना है तो सेलेक्ट करिए ट्रांसफार्म में आइए, और ट्रांसफार्म में आने बाद और थोड़ा साइज बड़ा कर लेते, मतलब साइज बड़ा होगा तो ऐसे रोटेट होके आ जाएगा, कम होगा तो जगह नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा आएगा। तो आपकी मर्जी कैसे इसको रोटेट करके दिखाना चाहते हो, ठीक है। फिर से यहाँ फॉरवर्ड पे आओ, और मुझे ये नहीं चाहिए, तो अलग अलग स्टाइल है, आप कैसे दिखाना चाहते हैं इसको, ठीक है। अब ज्यादा हमारा तो वहां पे इतना नहीं आ रहा, देखो कुछ ऐसे आ रहे हैं, तो आपको मैटर सही से बनाना पड़ेगा, और ज्यादा मैटर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इसका यूज क्या है, कहाँ पे कर सकते हैं इसका यूज मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल एन, और आ जाते हैं इंसर्ट पे, और यहां पे लेते हैं सर्कल, क्या लेते हैं सर्कल, और किसके साथ ड्रैग करते हैं, शिफ्ट के साथ, और आउटलाइन को हम कर देते हैं यहां से मोटा ठीक मैं तरीका बस बता रहा हूं आप कैसे होगा वाइट। उसके बाद से एक और हमको सर्कल चाहिए, फिर से क्या करेंगे जी, फिर से यहाँ पे आएंगे, और इसी के हिसाब से बनाना है, इंसर्ट पे आएंगे, सर्कल पे आएंगे,
और शिव के साथ फिर से ड्रैगन ड्रॉप करेगा। अब कैसे चाहिए आपके ऊपर है, वो अपने हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। कितने पे रखना है इसमें? ठीक है। और यहाँ पे काइंट कहाँ पे? फील्ड पे। लेकिन इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको इमेज फिल करना है क्या, अपने कंपनी का अदर कुछ भी। तो फील्ड पे आएंगे, पिक्चर पे आएंगे और ब्राउज पे आएंगे। अगर कोई पिक्चर हमारा लोगो सपोज मैंने बीच में क्या किया, पिक्चर इंसर्ट करा दिया, ऐसे इंसर्ट कराना है तो ऐसे हम अपने जीआईटी का लोगो भी इंसर्ट करा सकते हैं। या सबसे अच्छा यह है, परेशान मत होना ना, फिर लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पिक्चर पे, और पिक्चर पे आने के बाद से कंप्यूटर का पिक्चर बहुत सारा हमने रखा होगा, बाहर क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक पिक्चर। अब हमारा वो लोकेशन नहीं आ रहा है, कंप्यूटर का इमेज भी लगा सकते हैं हम लोग। क्रोम पे आते हैं जी। कंट्रोल डी कर लोगे, छोटा करना पड़ेगा। लैपटॉप लेसेस डेस्कटॉप सेव। राइट क्लिक, और इसको भी हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप। अब आ जाते इसी पे, और फिर से हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं। अब आएंगे डेस्कटॉप पे, इसके अंदर फिल करना हमको ना, इसको नो फिल करो पहले, फिर से क्लिक करो और फिर से फिल पे आओ, पिक्चर पे क्लिक करो। तो पहले फिल हो गया था इसलिए दिक्कत कर रहा था। ओके, मतलब आप तो दूसरे किसी का फोटो लगा सकते हो, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। और उसके बाद से यहाँ पे अगर रोटेट करके लिखना है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और नीचे लिखना है पडरौना कुशीनगर, तो कैसे बनाओगे? इंसर्ट पे आइए, वर्ड आर्ट पे आइए, कोई ले लो आप और लिख दो। सर्कल तुम लोग को सही से नहीं दिख रहा, हमारे में सर्कल बहुत अच्छा दिख रहा है, छोटा करेंगे और छोटा, और इसको मोड़ेंगे कहां से, ट्रांसफार्म से। कितना मोड़ना है और इसको बड़ा करेंगे, और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा करेंगे। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसे कहां जाओ। और इसको थोड़ा सा क्या करना है, यहां से एडजस्ट करना है, थोड़ा सा और राइट साइड ले जाना है, थोड़ा सा और ऊपर लाना है। मतलब जैसे सर्कल है उसी से टेक्स रखना आप लोग, ठीक बाबू। अब यहां पर लेने के बाद से और नीचे लेके आना, थोड़ा सा नीचे खींचेंगे ऐसे, बस ओके। फिर से यहां पर क्या लिखना हमको, पडरौना कुशीनगर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ड आर्ट। फिर से यहां पर टेक्स, और यहां पे इसको वर्ड आर्ट ट्रांसफार्म पे आ जाएंगे, और इस बार यह नहीं लेंगे, सेकेंड वाला लेंगे धीरा को ना, और इसको फिर से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। कहां लेके जाना है,
यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ा है, छोटा करेंगे और छोटा करेंगे, उसके बाद खींचेंगे इसको। दिख रहा है तो टाइम लगेगा बनाने में, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, एक हिंट बता रहा हूँ कैसे होगा। सेलेक्ट किया और उसको क्या करोगे, फिर बन जाएगा ना। अब इसको थोड़ा सा हम इसको और यहां से इसके अंदर लेके जाएंगे और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे और फिर से इसको एडजस्टमेंट करेंगे, टाइम टेकेंगे, इसका साइज थोड़ा छोटा करने को, तब इसके अंदर फिल होता है। क्लिक, पूरा सेलेक्ट करना होगा। अब बाहर क्लिक करो, फिर से क्लिक और छोटा करो। अब इसको रोटेट करो जितना मोड़ना है इसको। ठीक है बाबू, मतलब ये सर्कल जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से हमारा टेक्स्ट भी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, अब ऐसे एडजस्टमेंट करते रहना आप लोग। ठीक है, अब देखो होगा क्या। अब बीच में भी और कुछ हमको देना है तो क्या करोगे, यहाँ पे आ जाते इंसर्ट पे, मतलब कुछ मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ कैसे बनाओगे आप लोग, और आ जाते स्टार कहाँ गए। कंट्रोल डी, ठीक है, और यहां सेलेक्ट करके और आप अपने हिसाब से इसको फिल कर देना, जो फिल करना आपकी मर्जी, कलर कंबाइनेशन तुम हमसे अच्छा आता है तुम लोग को। ठीक है, अब मान लो अगर यहीं पे अगर फोटो रहता तब यहाँ पे तो और भी अच्छा दिखता। मतलब एक लॉजिक में बताया हूँ कि वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किस कंडीशन में करते हैं, एक तो तरीका तो बता दिया था कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे बनाने हैं तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हो पाया। और आप लोग भी यार तैयार करिएगा बनाइए, ठीक है ना, कई सारी इमेजेस लेके, और भी अच्छे से बनाना है कुछ ऐसा भी कर सकते हो। कंट्रोल यन, इंसर्ट पे आइए और सेव पे आइए, नीचे देखो एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, डिजाइनिंग इससे अच्छे भी हो जाते हैं। कहाँ गया नीचे, सर्कल 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 सर्कल, वो एरो की दिखाना कठिन, और इसमें ये हुआ एरो की नहीं दिया। हाँ दिया तो है, क्लिक और आउटलाइन थोड़ा सा इसका मोटा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, उसके बाद से इंसर्ट पे आइए, मतलब कुछ मैं तरीका है ऐसे, उसके बाद से यहाँ पे सर्कल इंसर्ट कराइए इसी में। ठीक है, और जो हमने बनाया वो बना सकते हो जाएगा ना, अब तरीका अपनाइएगा कैसे करना। चलिए क्या देखो, वाटर इसमें देखो, फिल पे जाएंगे, जो कलर है इसमें ग्रेडिएंट कलर है, इसमें से ऐसे कलर अप्लाई कर सकते हो, जो कलर रहेगा वही ले सकते हो, इसके अलावा दूसरा नहीं ले सकते। हाँ मोर कलर पे आ जाइए, इसमें भी कलर का कंबाइनेशन है, अब चूज करिएगा कौन सा कलर आपको लगाना है। ठीक है ना, यही से लेंगे, दूसरा कोई कलर कंबाइनेशन नहीं, मतलब जो कलर मिल जाएगा सारे कलर मिल जाएंगे, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसमें तुम सोच रहे वो कलर तो जो इसमें बाय डिफॉल्ट है वो मिलेगा। हाँ तो पढ़ाएंगे वाटर मार्क, हाँ वो आगे ऑप्शन। ठीक है, कैसे हम ऐसे नॉर्मल बना, नहीं उसमें वाटर मार्क कोई इमेज इंसर्ट करा देंगे, इसको बना के उसको इमेज के रूप में सेव करना पड़ेगा जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, और वर्ड आर्ट के बाद अगला ऑप्शन क्या है, ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप इसका यूज क्या है समझिएगा, देखो ड्रॉप कैप एक ऐसा ऑप्शन है, अगर जिसका इस्तेमाल करते हो तो एक बार में तीन लाइन को ड्रॉप करता है, एक बार में तीन लाइन को ड्रॉप करने का मतलब क्या समझिएगा,
जैसे कभी ऐसा कुछ लिखते हैं जहां पे उस वर्ड का पहला जो कैरेक्टर रहता है वो सबका सेम रहता है। जैसे हमको लिखना इंडिया, तो आई स्टार्ट होगा, बोलो हमको लिखना है इंफॉर्मेशन, आई से स्टार्ट होगा। अब हमको लिखना मान लो इसको किससे स्टार्ट हो, आई से स्टार्ट होगा, बोलो तो क्या हुआ। 3 लाइन हमको लिखना ही है और मुझे लग रहा है कि कॉमन सबमिट क्या है, आई आई आई, तो सोच रहे एक आई से काम चला। तो क्या करता है, ड्रॉप कर क्या करता है, एक बार में 3 लाइन को ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन लिखना है इंडिया, तो आई है तो इंडिया लिख देंगे पूरा, उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन लिख रहा हो तो आई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, स्टूड लिख रहा हो तो आई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। वो जो आई पहला लिखे है ना, एक बार में 3 लाइन को ड्रॉप कर देता है और वाई बहुत बड़ा हो जाता है, कुछ ऐसा देखे हो गया आपने। ठीक है, पहले में छोटा है जिसमें लिखना गॉडेज या गायत्री, तो जी बहुत बड़ा और उसके अंदर बीच में कैरेक्टर होता है। ठीक है, उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाए ड्रॉप का। ठीक है, मतलब मान लो सबको 4-5 लोगों का नाम लिख रहा है, ठीक है, और 3 ऐसे लड़के जो स्टार्टिंग में 3 लोगों का नाम स्टार्टिंग आर से, आर आर आर, तो एक आर से काम चला सकते, एक बार में 3 लाइन को ब्लॉक कर दे। कैसे करता है मैं बताऊंगा, समझ आएगा आपको। अब बुक में देखने को मिलता है आपको, ठीक है, पेपर पर पढ़ते होगे, जब बुक को पढ़ते होगे देखते होगे, उसे बोलते हैं ड्रॉप कैप, एक बार में 3 लाइन को ड्रॉप कर देता। कैसे, चलो हम नॉर्मल लिख के आपको समझा दे रहे। जैसे हमको यही लिखना है, हमको नॉर्मल ही, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, उसके बाद हमने वैसे इंफॉर्मेशन लिख रहा, तो लिखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, तो थोड़ा दिक्कत मतलब क्या है, बार बार हमको टाइप करना होगा। उसके बाद मैंने लिखा इंस्टीट्यूट, लिखना तो थोड़ा आई सब में हमारा कॉमन है, तो सोच रहे कुछ आई बार बार ना लिखना पड़े, एक में लिखे सब पे ड्रॉप हो जाए, तो ये तो नॉर्मल है लिख दिया। मैं सोच रहा ये ना हो तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ये भी गलत है ये भी गलत है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं इसका। कोई बात नहीं, क्या करेंगे इसको, तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे कर देंगे यहाँ पे ड्रॉप। समा रहा है, बोलो एक बार में क्या किया, 3 लाइन को ड्रॉप कर दिया। जैसे मान लो नाम है कई लोगों का, बाहर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, लिखना सूरज, उसके बाद सुजीत फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद संदीप, तो मुझे लग रहा है तीनों एक ही स्टार्टिंग है, क्या करेंगे इसको, इसमें या ना यह लिखना होगा और ना यह लिखना होगा, बस तीनों को सेलेक्ट ड्रॉप, ये या वो स्पेस थोड़ा सा कम ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर बाबू, बोलो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल होता है। चलो पैराग्राफ समझाते हैं, कंट्रोल एन इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट को 20 करके ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है सबका स्टार्टिंग अलग अलग है, ये फिर भी देखो यहाँ पे कर दे रहे तो क्या होगा, इसका बी है, इसका पी है, इसका टी है, कोई दिक्कत नहीं। हम सोच रहे हैं बस जो भी है बहुत बड़ा हो जाए और सभी नॉर्मल टेक्स्ट छोटे हो, तो यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रॉप कर दें, देखो 3 लाइन को ड्रॉप कर देगा। बाबू तो आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ड्रॉप कैप, उसके बाद अगला क्या है, सिग्नेचर लाइन, जब भी सिग्नेचर लाइन ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो, 10 मिनट बाद आते। चलो सिग्नेचर लेंस, और आप लोग को क्या मतलब है, मतलब जब भी सिग्नेचर हमको इंसर्ट करना हो
ए पर नीचे हमको इंसर्ट करना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिग्नेचर लाइन ले सकते हैं, बहुत सिंपल है, क्लिक करिए, किसका सिग्नेचर देना है तो नाम लिख दो, मान लो अपने सिग्नेचर ऐड करना चाहते हो, क्या लिख रहे थे, सजेस्टेड क्या है, हमने बोला सॉफ्टवेयर ट्रेनर, ईमेल आईडी कोई जरूरी नहीं, कर देंगे यहां से ओके। अब इस सिग्नेचर को कहां पे शो कराना है, यहां पे इंसर्ट हो गया, क्लिक किया, फॉरवर्ड पे आएंगे और क्या कर लेंगे, यहां से फॉरवर्ड पे आने के बाद से इसको मूव कराना है, तो यहां पे आना है टेक्स्ट रैप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, कहां लेके जाना है, सिग्नेचर को मैं ही पे ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहां से आपकी मर्जी जहां छोड़ना छोड़ना, क्या करो बाबू, पोजीशन तो देखो वो अपने हिसाब से पोजीशन सेट करेगा, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करें तो हम अपने हिसाब से करेंगे, अब तुम देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो कहेगा लेफ्ट राइट सेंटर, तू अपने हिसाब से लेके जाएगा, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दे तो हम अपने हिसाब से ले जाएंगे, ठीक है, दोनों में अंतर हो जाएगा, किसको, जब भी सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो सजेस्टेड साइनर नेम पूछा जा रहा है, तो मैंने सपोज मेरा ही है तो मैंने टाइप कर दिया नाम, ठीक है, उसके बाद से सजेस्टेड साइनर टाइटल, वो क्या है इनका, क्या करते हैं यहाँ पे, तुमने बोला सॉफ्टवेयर ट्रेनर है हम, आपकी मर्जी जो देना दे सकते हो, ईमेल आईडी नहीं देना इसमें, ओके, इंसर्ट हो जाएगा, अब इसको मूव करना तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फॉरवर्ड पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, कहां पे लाके रखना साइन, यहाँ पे दिखाना लास्ट, ठीक है बाबू, और उसके बाद से एक और ऑप्शन है इसी में, डेट एंड टाइम, तो जब भी डेट एंड टाइम जहां पे इंसर्ट करना हो ला सकते हैं, चलो मान लो हमने क्या करना है यहाँ पे इसमें इंसर्ट करना है डेट एंड टाइम, तो इंसर्ट पे आते हैं फुटर में, और क्या चाहिए, तो डेट टाइम सब चाहिए, तो यहाँ सब ये ले लेते हैं, ओके, तो साइन भी फुटर में आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, बस दो बार क्लिक करके ब्लॉक, क्या काम क्या हो गया है, अरे यार इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दो, बोल्ड करके कलर चेंज कर दो, ये तुम्हारे हाथ में सब है, उसका फॉर्मेट है पहले से पोजीशन, बार क्लिक कर दो, फुटर में ना प्रिंट होगा तो ऐसे ही होगा ना, कर लोगे ना बाबू, और ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कि कौन सा इंसर्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो इस पे, अरे वर्ड पॉइंट में नहीं पढ़ाया था कि पावर पॉइंट को भी ओपन कर सकते हो, अदर किसी सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर सकते हो, जी पेंट वर्ड वर्ड सब ओपन कर, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दो और बचे हैं ऑप्शन, सर पेंट पढ़ा दिए।